क्या मकसद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस रूल को शुरू करने में? क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान? ये रूल इंडिया में कब से शुरू होगा? इस रूल को फॉलो ना करने पर क्या होगा? जानिए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट। आइए शुरू करते हैं। अब आने वाली है टू व्हीलर्स के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जैसे ही गाड़ी का इंजन ऑन होगा वैसे ही गाड़ी का हेडलाइट ऑन हो जाए और गाड़ी के बंद होने पर ही हेडलाइट बंद होगा। यह सिस्टम इंडिया में अप्रैल 2017 से आने वाली गाड़ियों के लिए होगा। इन बाइक्स में हेडलाइट का ऑन ऑफ स्विच भी नहीं होगा। अगर वर्ल्ड लेवल पर इस सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम कोई नया नहीं है। यह सिस्टम यूरोपियन कंट्रीज में सन 2003 से शुरू हुआ है और रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के मामले में यह सिस्टम को काफी फायदेमंद पाया गया है। ये रूल इंडिया में शुरू होने के बाद अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको फाइन भी लग सकता है। ये रूल किस कैटेगरी की बाइक्स के लिए है इसकी डिटेल्स अब तक के नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थी ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन सिस्टम के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते वक्त इस चीज का खास ध्यान रखें, सब्सक्राइब बटन के साइड में एक बेल होता है, इसे भी प्रेस करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।